The x and y component of factor A are 4, 6. तो factor A को हम कैसे लिख सकते हैं? Factor A को ओ, 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 हम कैसे लिखेंगे? Factor A को क्या लिखे? 4i plus 6j लिखा जा सकता है. I का मतलब क्या? X component. Y, J का मतलब क्या? Y component. यही लिखेंगे ना? Next. Respect the X and Y component of factor A plus B are 10 and 9. मतलब factor A plus factor B is equal to कितना दिया है? 10i plus 9j दिए हुए. और क्या कह रहा है? Calculate for the factor B the following. पहला, its X and Y component. अब हमको factor A plus B दिए हुए है, तो factor B equals to क्या लिख सकते हैं? 10i plus 9j minus factor A लिखा जा सकता है बुआ. कितना हमको पता है? 10i पता है, plus 9j पता है, minus फैक्टर ए हमको पता है. क्या होगा सॉल्व करके? 6i प्लस 3j. फैक्टर बी का, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 6. और वाई कंपोनेंट क्या होगा? 3 होगा. इतना ही आंसर है, 6 और 3 हो गया. नेक्स्ट पूछ रहा है हमारा क्या चीज. Its length, assuming that A, B lie in XY plane. A, B हमारा XY plane में lie तो कर ही रहा है, क्योंकि I और J के ही term में दिया हुआ है दोनों की value. इसका length find करने के लिए क्या करते हैं? Vector B is equals to कितना? 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 6i plus 3j. यही है ना? अब इसका length का मतलब क्या है इसका? कितना होता है? होगा. नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? 45 को और क्या लिख सकते हैं? हाँ, ए एंड बी लाइन दे एक्स वाई प्लेन. ए और बी तो एक्स वाई प्लेन में लाइक कर ही रहा है, क्योंकि इसके पास आई और जे है. इसमें सोचना क्या है? ये एक्स वाई प्लेन में ऑलरेडी है ना, जेड प्लेन में तो है, मतलब y और z प्लेन में तो है नहीं. यदि y और z प्लेन में होता तो क्या होता है इसके पास? y और z का कंपोनेंट होता, मतलब j और k होता. होता तो हमको 45 को और क्या लिख सकते हैं? 3√5 लिखा जा सकता है. g का ना निकाले हैं यहाँ. क्या कैलकुलेट फॉर दी फैक्टर बी, 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 पहला भी बी के लिए, दूसरा भी बी के लिए. तो इसको लिखा जा सकता है 9 × 5 कितना होता है? 45. इसको लिख सकते हैं कितना? 3√5. नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है इसमें? दी एंगल इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है वो कितना होगा? अब वो कैसे निकालेंगे? हाँ, tan थीटा कैसे निकालेंगे? ए वाई बाई ए एक्स. क्या कहना चाहते हो? कैसे एंगल निकलेगा? हमको जब बी पता है कितना, 6i प्लस 5j, ये पता है हमको. इसका मतलब क्या है? चलो पूरे हटा दिए. खुश, हैप्पी. हमारा b है 6i प्लस 3j. चलो ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर ये बता रहा है, मतलब कुछ ऐसा वेक्टर है. और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हमको पता है? 6 और 3. यही मतलब होगा ना इसका. पोजीशन वेक्टर पढ़े थे,
नहीं बोलता है। इसका मतलब यही होता है ना, अब हमको ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं। इस 6-3 का मतलब क्या है, ये कितना y पे है मतलब 3, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना 6, तो थीटा कितना 10 थीटा के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3/6 मतलब 1/2, तो थीटा कितना हो गया 1/2। कुछ वैल्यू होता है किसी का, नहीं होता है, लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/2। ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है, ठीक है, आंसर में कहीं भी फैक्टर फॉर्म दिया है, स्वाभाविक फैक्टर नहीं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। क्या होता था, प्रोजेक्शन ऑफ फैक्टर ए ऑन फैक्टर बी, क्या हो रहा आनंद, यही होता था, मॉड लिखो या फैक्टर हटा के सीधा सीधे लिखो, इसको इतना लिखो चाहे ये हमारा क्या है मैग्नीट्यूड ऑप्शन, हमको कितना सब जो दिया हुआ, कोई वेक्टर फॉर्म में तो दिया नहीं है, सब किसमें दिया है सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में, मैग्नीट्यूड तो इसी से निकलता था। सबकी वैल्यू डालेंगे, क्या क्या दिए हुए हैं, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2i+3j, 2i+3j +2k डॉट, बी का वैल्यू है i+2j+k डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी मतलब रूट अंडर 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, i डॉट i क्या होता है, i डॉट i 1, बाकी सबके साथ 0, इसका क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 2 + 2 × 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना 6, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 + 6 = 8 + 2 कितना 8 + 2। ऐसा कुछ, ऐसा तो आंसर नहीं है, रूट अंडर 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सही बात, तो 10/√6। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लिख सकते हैं 10/√6 × √6/√6, ये हो गया 10√6/6, ये कट गया 3, ये कट गया 5, तो आंसर आ गया हमारा 5/√6, ये तो आंसर है। क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्ट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है ये दो फैक्टर हमारे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा तो सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा, इसी डायरेक्शन में एक बहादुर 5 न्यूटन से खींच रहा है, उसी डायरेक्शन में दूसरा बहादुर क्या कर रहा है 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो दोनों मिलकर कितने से खींच रहे होंगे 15 न्यूटन से खींचेंगे, लेकिन लिस्ट की बात की जाए मतलब क्या, लिस्ट का मतलब है कि वो एक बंदा इधर जा रहा था, दूसरा बंदा अपोजिट जा रहा है, तो कह सकते हैं हमारा सिंपल सा टू वेक्टर का क्या है ग्रेटेस्ट, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना 10, और ए माइनस बी का 6। अब ए प्लस बी पता है, ए माइनस बी पता है, तो हम इसका निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यू, हमारा हो गया 8 न्यूटन, और b इक्वल्स टू कितना हो गया a माइनस 6 मतलब 8 - 6 मतलब 2 न्यूटन, तो हमको a पता चल गया कितना 8 न्यूटन और b पता चल गया
टू न्यूटन। ये पता चल गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ इच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, मतलब ए डैश की बात की जाए तो वो हमारा कितना इच फोर्स इंक्रीज किया है, कितने से 8 प्लस 11 न्यूटन हो गया हमारा, और बी डैश कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, मतलब हो गया ये 5 न्यूटन। फाइंड द रिजल्ट ऑफ न्यू फोर्स व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर। अब ये दो फोर्सेस हैं, ये हमारा ए डैश, ये हमारा बी डैश, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर। बी डैश का स्क्वायर प्लस टू ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधी बच जाएगा ए डैश का स्क्वायर प्लस ए डैश कितना 11, और ये हमारा हो गया 5 का स्क्वायर। कितना हो गया 2, 4, 1, 4, 6। क्या करें, वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस इज, अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी क्या होता है, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम लोग डॉट का क्या जानते हैं, ए बी कॉस थीटा जानते हैं। यदि ए और बी परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ ए है हमारा, ये हमारा बी है, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, मतलब ए बी कॉस 90, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा ए बी इंटू जीरो, मतलब जीरो होगा। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसके साथ दूसरे वाले का डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक कर लेंगे। तो यदि हम पहले वाले के साथ चेक करते हैं, ए के साथ यदि हम चेक करेंगे तो इसका इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 माइनस 1 और प्लस 1, यही होगा क्या, ये जीरो हुआ, ये वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब बात नहीं बनी। अब दूसरे वाले के साथ करते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस वन। बी की सी की बात करें तो सी का -1 -1 -1 -3। डी की बात करें तो कितना 3 प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो विच वन इज करेक्ट, कौन सी का करेक्ट रिलेशन इज, इस चारों तीनों में से कौन सा करेक्ट रिलेशन है, तीनों सही है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है, वेक्टर ए का मुंडी किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, वेक्टर बी के टेल के साथ। क्या ऐसा है कहानी में, वेक्टर ए का मुंडी जुड़ा हुआ है वेक्टर बी के टेल के साथ, प्लस वेक्टर ई इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर ई किधर है, इधर है, ये भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, या इसको हम ऐसे बनाते यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी। अब क्या है हमारा, इस दोनों का यदि रिजल्टेंट निकालते तो क्या होता, ये वाला बहादुर होता होता, इसको यदि हम लिखना चाहते हैं ऐसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेक्टर ई बोला गया है तो इस डायरेक्शन में क्या लिखते, माइनस ई इक्वल्स टू माइनस ई लिखा जा सकता था। तो यह यहां सीधा सीधी हम लिख सकते थे फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी प्लस फैक्टर ई इज इक्वल्स टू जीरो, इससे भी बना सकते हो, नहीं तो सीधा सीधी यहां चला वापस यहां आ गया, तो डायरेक्शन हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस ए, सी का डायरेक्शन क्या, ये माइनस डी का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस डी का डायरेक्शन कैसे, सॉरी माइनस डी का डायरेक्शन
यदि डी इस तरफ पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है डी है, तो माइनस डी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा इज इक्वल टू माइनस ए। ये हमारा किसका डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन प्लस ए का, तो माइनस का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा माइनस ए का डायरेक्शन। क्या ये सही है कि गलत है, ये हमारा सही है या गलत ही है। इस वेक्टर सी प्लस माइनस सी, ठीक है, रिजल्ट क्या है माइनस ए, रिजल्ट तो आया माइनस ए, तो कहाँ गलती है कुछ। ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। अब लास्ट वाले को चेक करो पहले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी चेक करते, बी प्लस ई हमारा कौन सा फैक्टर, बी, ये हमारा फैक्टर बी प्लस फैक्टर ई माइनस सी, माइनस सी, अच्छा ये है माइनस सी, चलो इसको बना के ही देख लेते हैं। वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर ई प्लस माइनस वेक्टर सी, मतलब माइनस वेक्टर सी का मतलब क्या हो गया, ये यहां से वापस जाएगा, ऐसा ऐसे ही जाएगा ना, डायरेक्शन इस तरफ है तो माइनस उस तरफ जाएगा, तो क्या ये डी के बराबर होगा। अच्छा यहां पहुंच जाएगा, सॉरी माइनस वी का मतलब यहां पहुंच गया, तो माइनस वेक्टर सी यहां, तो हम वापस यहां पहुंच गए, तो वेक्टर बी और वेक्टर डी का डायरेक्ट रूप के, तो फिर से देखो यहां, ये वेक्टर हमारा कौन सा है वेक्टर बी, ये वेक्टर हमारा कौन सा है वेक्टर ई, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, माइनस सी, मतलब सी हमारा इस तरफ था, तो माइनस सी का मतलब उस तरफ, मतलब वापस, ये कहां से कहां पहुंचेगा, इसी पॉइंट पे, दोनों सेम लेंथ का है ना, क्या अलग अलग लेंथ का है, इस साइड है, तो हम इस साइड कहां ले रहे हैं वेक्टर सी को, हम तो उसी साइड माइनस वेक्टर सी ले रहे हैं, ये क्या है हमारा, इस साइड रहता तब ना प्लस सी होता, ये डायरेक्शन किधर है सी का, माइनस सी होता, इस साइड रहेगा तो क्या है प्लस सी, इसका अपोजिट डायरेक्शन डालेंगे तो क्या होगा माइनस सी होगा, तो कहां पहुंचे, यहां पहुंच गए वापस पहुंचे, अरे एक ही लाइन पे जब यहां से यहां आए, वापस से यहां से यहां जाओगे तो यही, ये फिगर में दिखा रहा है प्लस सी को, यदि हम माइनस सी को ऐड करेंगे, माइनस सी को, तो माइनस का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस वाले की जस्ट अपोजिट होगा, निगेटिव वेक्टर पढ़े थे, इधर कर दे, मतलब हम कभी बोले थे, ठीक है, कि मतलब ऊपर ऐसा कोई वेक्टर है तो इस पे टिक्की ऐसे लगा देना, तुम मतलब कंफ्यूजन भी ऐसा, कि मतलब पहुंचे कहां, यहां, तो ये क्या है, मतलब यहां से चले थे अब वापस कहां पहुंच गए, यहां डायरेक्शन क्या है इसका, यदि हम वेक्टर को लिखते फाइनल, इनिशियल ये और फाइनल ये क्या हमारा बना, बोला इसको माइनस डी, क्या ये माइनस डी है, ये हमारा प्लस डी है, तो ये हमारा माइनस डी, ऊपर की तरफ यदि प्लस डी है तो नीचे की तरफ क्या होगा माइनस डी होगा, तो होगा तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या दिया है वैसे 59 का, डी लिखा हुआ नहीं, डी कर लो उसको, डी डी ऑल ऑफ दी अबव, वेक्टर ए वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना 3/1। यहां से हम क्या कर सकते हैं,
ये साफ साफ दिख रहा है कैमरा में कलर? चलो इतना है लिखा हुआ। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस 3b लिखा जा सकता है। तो हमको पूछ किसका रहा है, a का पूछा जा रहा है, तो a को एक साइड कर लेते हैं, तो मतलब 3a माइनस a इज इक्वल टू b प्लस 3b लिख सकते हैं इतना। तो कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 4b, तो a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू 2b का ही है। वेक्टर a प्लस b, वेक्टर a प्लस b का मतलब क्या होगा, मान लिया वेक्टर हमारा एक ये है a और ये वेक्टर b, तो वेक्टर a प्लस b कहां होगा, स्वाभाविक है इसी प्लेन में होगा, इसी प्लेन में होगा ना, प्लेन से बाहर तो नहीं जाएगा। लेकिन वेक्टर a क्रॉस b करते हैं, वेक्टर a क्रॉस b ये क्या होता है, a क्रॉस b का मतलब क्या है, वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर होता था, a क्रॉस b का मतलब क्या याद ही नहीं है, मतलब a से b, मतलब हम जिधर डायरेक्शन उधर हमारा a क्रॉस b देगा, इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर, मतलब डायरेक्शन क्या होगा a क्रॉस b का, या तो ऐसा होगा या अंदर की तरफ होगा। अब a प्लस b के ऊपर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो मतलब एंगल कितना हो जाएगा 5/2। गधेरा मेरे, देखो यहां ये वेक्टर a, ठीक है समझ लो तुम भी, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b किसी भी एंगल पे मान लो है, ठीक है, इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस का मतलब ये इसी प्लेन में होगा, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला है, या इधर हो चाहे इधर हो या कहीं भी हो, लेकिन होगा तो इसी प्लेन में कहीं। लेकिन a क्रॉस b करते तो कैसे निकलता था उसका डायरेक्शन, a से b की तरफ लेके जाते थे, मतलब या a इस तरफ जाएगा चाहे ये इस तरफ आएगा, तो इसके ऊपर ये भी परपेंडिकुलर। अब ये पहला वाला फैक्टर का रिजल्ट ये आया, दूसरा वाला ये आया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 ही होगा ना। क्या कह रहा है देखो, थ्री फैक्टर्स ए बी सी सर्टिफाई द रिलेशन ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ए डॉट बी जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या है, थीटा कितना होगा यहाँ पे, थीटा की वैल्यू ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस क्या जीरो होता है, वन होता है। हमको क्या दिया, a डॉट b इक्वल टू जीरो दिया है, तो a डॉट b इक्वल टू जीरो लिखे, a b cos थीटा होता है a डॉट b का मतलब। अब ये जीरो कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो, जीरो हो, और cos थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 डिग्री पे। मतलब कह सकते हैं वेक्टर a और वेक्टर b क्या है, परपेंडिकुलर। उसी तरह कह सकते हैं a डॉट c इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, वेक्टर a परपेंडिकुलर है किसके साथ, वेक्टर c के साथ, ये वेक्टर a इज पैरेलल टू। अब वेक्टर a किसके साथ पैरेलल हो सकता है, b के साथ, c के साथ, b डॉट c के साथ, या b क्रॉस c के साथ। अब यहां पे हमारा b के साथ पैरेलल है, b के साथ पैरेलल है क्या, a परपेंडिकुलर है ना, क्वेश्चन ही तो हमको कह रहा है परपेंडिकुलर है, ये खत्म। C के साथ पैरेलल है, नहीं है, ये भी खत्म। B डॉट C का क्या होता है कहानी, B और C दोनों के साथ, मतलब B डॉट C का मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, यदि ये हमारा B है, ये हमारा C है, इसके पास तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है B डॉट C के पास, ये कहानी खत्म। तो आंसर में ऐसे भी जा सकते थे D, यहां तक ठीक है, ऐसे भी जा सकते थे। दूसरा तरीका है B और C के ऊपर, B क्रॉस C का वैल्यू क्या होगा, B क्रॉस C का मतलब क्या, एक ऐसा वेक्टर जो B के ऊपर भी क्या हो, परपेंडिकुलर है, और C के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो। तो B के ऊपर भी परपेंडिकुलर कौन, A, C के ऊपर भी परपेंडिकुलर कौन, A है, तो स्वाभाविक है इस दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर जो होगा उसी पर ये, और ये A भी क्या है, तो इसके पैरेलल होगा,
इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर है, और जो नया वेक्टर बना बी क्रॉस सी, ये क्या है परपेंडिकुलर बी और सी, तो ये दोनों पैरेलल क्यों नहीं होंगे,